हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टिप्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। कुछ दिनों से हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो थी नहीं आ रही थी, बट नाउ माय हेल्थ इज राइट, नाउ क्लासेस विल कम रेगुलरली। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज के 6 जुलाई है, लेकिन 5 और 6 जुलाई इस तरह से हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज हम करेंगे 5 और 6 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल का एग्जाम का नोटिफिकेशन कैलेंडर आउट हो चुका है। सीएचएसएल 67 बीपीएससी पीटी जेपीएससी के पीटी के लिए सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, जिससे आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, जो LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्षों तक कर दी गई है, यानी कि पहले LIC का जो अध्यक्ष होता था उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कुछ और हो रही होगी, अब उसके आयु में कितने वर्षों की वृद्धि कर दी गई है। तो देखिए, बाय हाउ मेनी इयर्स द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन हैज बीन रेज्ड। ठीक है, तो जो पहले था LIC चेयरमैन का जो रिटायरमेंट का एज था वो 60 साल तक था, यानी कि 60 साल होने के बाद LIC के चेयरमैन को रिटायरमेंट दे दिया जाता था, बट अब इसका एज 62 इयर्स कर दिया गया है। ठीक है, इसका एज 62 इयर्स तक कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि अभी LIC के जो चेयरमैन है वो कौन है, अभी इस टाइम पे LIC के जो चेयरमैन है वो है एम आर कुमार, और इनका ये जब अब रिटायर करेंगे, यानी कि ये जब 62 इयर्स के हो जाएंगे तब अब ये रिटायर करेंगे। वहीं LIC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है, जो कि पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो LIC का स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। आपको यहां से इतने बातों को याद रखना है। देखिए, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। लेडी डॉक्टर्स, देखिए बुक को आपको बस इतना याद रखना है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज, इससे आप जो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो कहता है, इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये बुक लिखा गया है कविता राव के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है, कविता राव के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इस बुक में किसके बारे में लिखा गया है, इस बुक में लिखा गया है रुखम, आपको याद रखना है रुखमाबाई। ठीक है, रुखमाबाई राउत की जीवनी के बारे में इस बुक में लिखा गया है। ये जो थी एक भारतीय, पहली भारतीय चिकित्सक थी, जो अंग्रेजों के जमाने में प्रैक्टिस करने वाली पहली भारतीय चिकित्सक थी। और ये जब 1884 से 1888 के बीच में अपने बाल विवाह, इनका बाल विवाह किया गया था, तो जो बाल वधु के रूप में जो शादी से जुड़े कुछ कानून आए थे उसके रूप में इन्हें जाना जाता है। किनको, तो रुखमाबाई राउत, और इनके ही जीवनी के बारे में, यानी कि जो फर्स्ट प्रैक्टिशनर थी डॉक्टर में, मेडिसिन, मेडिकल के फील्ड में, कब, तो अंग्रेजों के जमाने में, तो 1884 से 1888 में बाल वधु के रूप में जो ऐतिहासिक कानून वाला जो क्या हुआ था कि फैसला आया था, उनके उनसे भी जोड़कर इनको याद किया जाता है, रुखमाबाई राउत को। और इस बुक को लिखा है कविता राव के द्वारा, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, कविता राव के द्वारा, लेडी डॉक्टर्स। वही बात करते हैं सलमान खुर्शीद, तो सलमान खुर्शीद के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, जिसके द्वारा लिखे गए बुक्स को बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी याद रखना है। वहीं अवतार सिंह भसीन ने अभी अभी एक बुक लिखा था, नेहरू तिब्बत एंड चाइना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद रखना है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। वहीं नीना गुप्ता की एक ऑटोबायोग्राफी थी, सच कहूं तो। तो इतने फैक्ट को आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। देखिए, जो है हु वॉन द फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। अभी अभी आप देख रहे होंगे फॉर्मूला 1 वाले रेस अलग अलग देशों में, तो कभी मैक्स वर्स्टेपेन जीत जाते हैं, तो कभी किसी गांव में ये क्या है कि मैक्सिको के खिलाड़ी जीत जाते हैं, कभी लुइस हैमिल्टन जीत जाते हैं, कभी मैक्स वर्स्टेपेन जीत जाते हैं, तो ये आप देखेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन सा ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीता। तो अभी जो है फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रिया में हुए थे, ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 वाला ऑस्ट्रिया में होने वाला जो फॉर्मूला 1 रेस है, इसको जीता मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया, मैक्स वर्स्टेपेन को, ये यहाँ पर देख पा रहे हैं मैक्स वर्स्टेपेन, और ये जो है रेड बुल के तरफ से खेलते हैं, यहाँ पर ये रेड बुल का ये जर्सी भी पहने हुए हैं।
तो रेड बुल की तरफ से मैक्स वर्स्टैपेन खेलते हैं और इन्होंने फॉर्मूला वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। ठीक है, वही बात करते हैं वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज की ओर से खेलते हैं, मर्सिडीज की ओर से, और लैंडो नॉरिस। ठीक है, लैंडो नॉरिस जो है मैकलोरेन की तरफ से खेलते हैं, मैकलोरेन की तरफ से रेस करते हैं। और ये जो लुइस हैमिल्टन साहब हैं, तो ये किसकी ओर से खेलते हैं, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये वाल्टेरी बोटास और लैंडो नॉरिस और लुइस हैमिल्टन को पीछा करते के को पीछे छोड़ते हुए मैक्स वर्स्टैपेन ने इस रेस को जीत लिया है। चलिए अगला बात करते हैं कि पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया। यहां पर बोला जा रहा है कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किसी और के नाम होगा, है ना, ये रिकॉर्ड किसी और के नाम होगा। Who broke the world record for men's 400 meter hurdles? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाधा दौड़ इस तरह से दौड़ा जाता है। ठीक है, और इससे पहले जो मतलब अभी विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो किसका विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अभी जो है इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं वार्लहोम कार्स्टेन। क्या है, कार्स्टेन वार्लहोम। आप यहां पर देख पा रहे होंगे 400 मीटर मेंस 400 मीटर वाले नॉर्वे के हैं। कहां के हैं ये, नॉर्वे के खिलाड़ी है कौन, कार्स्टेन वार्लहोम। ठीक है, कार्स्टेन वार्लहोम ये नॉर्वे के खिलाड़ी। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 46.70 सेकेंड में इन्होंने क्या किया, 400 मीटर बाधा दौड़ को कंप्लीट किया, और इस ये करने के बाद ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था किनके नाम था, केविन यंग के नाम पर, और इन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया था 46.78 सेकेंड में। ठीक है, और ये जो कार्स्टेन वार्लहोम है इन्होंने बनाया 46.70 सेकेंड, तो इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वहीं जो राई बेंजामिन है ये तीसरे स्थान पर है, और इनका ये जो है 46.83 सेकेंड में इस बाधा को तीसरे स्थान पर, विश्व में तीसरे स्थान पर सब 400 मीटर हर्डल में ये तीसरे स्थान पर है। वहीं जो ये क्या है एंडर हमन सांबा जो है ये कतर के खिलाड़ी हैं, और इनका जो रिकॉर्ड है 46.98 सेकेंड। ठीक है, 40 तो मतलब फर्स्ट स्थान पर कौन हो गया 46.70 सेकेंड में, कार्स्टेन वार्लहोम के ने, केविन यंग जो कि 46.78 सेकेंड में इस दौड़ को पूरा किया था, अब ये दूसरे स्थान पर हो गए, और अभी पहला स्थान ले लिया है कार्स्टेन वार्लहोम नॉर्वे के खिलाड़ी द्वारा। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉन द मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड, यानी कि जो मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी अवार्ड 2021 अवार्ड किसको मिला है। तो इन्वेस्ट इंडिया एक इंडिया की वेंचर है, नॉन प्रॉफिटेबल वेंचर है। ठीक है, जिसके द्वारा इस इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी 2021 को जीत लिया गया है, और इस ये जो पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ओसीओ ग्लोबल के द्वारा ये पुरस्कार मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी वाला अवार्ड ओसीओ ग्लोबल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, ओसीओ ग्लोबल के द्वारा। ये अमेरिका की एक कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका की एक कंपनी है ओसीओ ग्लोबल, और इसकी स्थापना हुई थी 2021 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ओसीओ ग्लोबल। अच्छा, वही बात करते हैं कि ये जो ओसीओ ग्लोबल के द्वारा, देखिए यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया gov.in अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया अवार्डेड द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एजेंसी, और किसके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया, तो ओसीओ ग्लोबल के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। वहीं पर इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2009 में हुई थी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ICC यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इस तरह से आपको यहां से याद रखना है इन सारे फैक्ट्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारतीय सेना प्रमुख द्वारा किस देश में किया जाएगा। तो भारतीय सेना प्रमुख, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे MM नरवणे साहब। ठीक है, MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे अभी भारतीय सेना प्रमुख है, और ये हैं इटली के यात्रा पर जा रहे हैं, और वहीं पर भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इटली का एक शहर है कैसिनो,
इटली का एक बहुत ही बड़ा शहर है कैसिनो, यहीं पर भारतीय सेना के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन मनोज मुकुंद नरवने, जो कि भारतीय सेना प्रमुख है, इसके द्वारा इटली में किया जाएगा। देखिए, ये जो युद्ध स्मारक किसके याद में किया जाएगा, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय जो भारतीय सैनिक 5,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों के द्वारा यहाँ पर फासीवादी के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दिए थे इटली में, ठीक है। तो उसी के याद में युद्ध स्मारक, या फिर बोल सकते हैं वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा? तो ये किया जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय सेना प्रमुख है इटली के शहर कैसिनो में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए, यानी कि एक्सिस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग, यानी कि डिजिटल बैंकिंग अभी देख पा रहे होंगे आप, डिजिटल इंडिया, डिजिटल बैंकिंग में मतलब कि ऑनलाइन खाता खुलवाना, पैसे का ट्रांजेक्शन करना, है ना, तो डेटा को सेव करना, किसी के डेटा को इमिडिएटली दिखाना, कंप्लेंट रजिस्टर करना, हर कुछ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के अंदर आता है। तो इन सेवाओं को सशक्त करने के लिए एक्सिस बैंक के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो जो अमेजन वेब सर्विसेज हैं, AWS, इस अमेजन वेब सर्विसेज के साथ एक्सिस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करने के लिए एक समझौता किया है, यानी कि दोनों मिलकर अब डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त करने पर काम करेंगे, यानी कि विथ होम हैज एक्सिस बैंक टाइड अप एम्पावर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी PDF को डाउनलोड करके आप यहां से इसको रिवीजन कर सकते हैं, और जितने फैक्ट्स को बताते हैं आप वो नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। वही बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अभी अभी क्या हुआ था, गवर्नमेंट के साथ इसका डिस्प्यूट चल रहा था ट्विटर का, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया, आईटी लॉ, ठीक है, आईटी लॉ लाया, और इसमें कहा कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भारत में ग्रीवेंस ऑफिसर, नोडल अधिकारी, ये सब क्या करना होगा, भारत से ही इसको अपॉइंट करना होगा। तो व्हाट्सएप के अभी अभी किनको नियुक्त किया गया ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में, तो किया गया है इसे पारेश बी लाल को, ये भी आपको याद रखना है। वही फेसबुक की स्मृति प्रिया, फेसबुक की जो ग्रीवांश ऑफिसर है स्मृति प्रिया को किया गया है। तो आपको बताना है, मैंने अभी वीडियो में कराया था कि ट्विटर का जो ग्रीवांश ऑफिसर है, ट्विटर का ग्रीवांश ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये यहाँ इंडिया के नहीं है, ये विदेशी है, आपको इसके बारे में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि RBI द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा RBI के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने के कारण इस पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बात करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की। पंजाब एंड सिंध बैंक की तो इसके जो संस्थापक थे, बीर सिंह, ठीक है, वीर सिंह इसके संस्थापक थे, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जून 1908 को। पंजाब एंड सिंध बैंक की बहुत पुरानी बैंक है, वीर सिंह इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO हैं वो है एस कृष्णा। पंजाब एंड सिंध बैंक के जो अभी प्रेजेंट टाइम में MD और CEO हैं वो है एस कृष्णा। वही पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सिस बैंक के बारे में बात किया था, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम में MD और CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी, आपको इसे भी याद रखना है, अमिताभ चौधरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त है, अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त जो है इसे नियुक्त किया गया है KN भट्टाचार्य। आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा के नए लोकायुक्त जो है KN भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है, ये अभी पहले क्या थे, एक अधिवक्ता थे, ठीक है, एक अधिवक्ता थे, और इनको KN भट्टाचार्य को अभी त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बनाया गया है, यानी कि नए बने हैं, तो इससे पहले भी कुछ लोकायुक्त रहे होंगे, है ना। तो ये तीसरे, त्रिपुरा के अगर पूछा जाए तो त्रिपुरा के तीसरे लोकायुक्त है KN भट्टाचार्य, और जो पहले त्रिपुरा के पहले जो पहले त्रिपुरा के क्या बोलते हैं कि लोकायुक्त थे सबसे पहले, तो वो है प्रदीप कुमार सरकार। त्रिपुरा के
लोकायुक्त है। 2012 में इन्हें नियुक्त किया गया था, 2012 में इन्हें नियुक्त किया था। और जो त्रिपुरा के जो लोकायुक्त अधिनियम 2008 में लागू किया गया था, त्रिपुरा में जो लोकायुक्त अधिनियम है, लोकायुक्त अधिनियम है वो 2008 में लागू किया गया था। और पहला जो लोकायुक्त लोकायुक्त का जो नियुक्ति किया गया था, पहला 2012 में किया गया था प्रदीप कुमार सरकार को। अभी तीसरे के तीसरा जो लोकायुक्त बने हैं के.एन. भट्टाचार्य जी, ठीक है, के.एन. भट्टाचार्य। अगर बात करते हैं उड़ीसा के गवर्नर की, तो उड़ीसा के गवर्नर है रमेश बैस, उड़ीसा के गवर्नर है रमेश बैस। और यहाँ के सीएम है बिप्लब देव, यहाँ के सीएम है बिप्लब देव। अगला क्वेश्चन है NHSRCL, ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसके नए एमडी के रूप में किसने पदभार कार्यभार संभाला है? Who took over as the new MD of NHSRCL? तो सतीश अग्निहोत्री साहब को अभी नए एमडी NHSRCL के नए एमडी के रूप में इन्हें पदभार दिया गया है। और इससे पहले सतीश अग्निहोत्री साहब RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के भी अध्यक्ष और एमडी रह चुके थे, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और अध्यक्ष RVNL के ये रह चुके हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत, मतलब ये क्या क्या किए RVNL में रहते हुए, तो एक इसकी लिस्ट एक लेकर आएंगे हम। लेकिन पहले आप ये जाने कि NHSRCL के नए एमडी के रूप में सतीश अग्निहोत्री जी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। वही बात करते हैं जेबी महापात्रा, तो जेबी महापात्रा को अभी अभी एक मिनट चेंज कर लेते हैं पेन, ठीक है, हाँ, जेबी महापात्रा को अभी अभी CBDT का चेयरमैन नियुक्त किया गया। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो चेयरमैन है, अभी जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है। टीवी नरेंद्र को CII का चेयरमैन अभी नियुक्त किया गया है, ठीक है, CII का चेयरमैन नियुक्त किया गया। वही परेश बिलाल, हमने बताया कि परेश बिलाल को व्हाट्सएप इंडिया का गृहांश ऑफिसर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है परेश बी लाल को। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे आज के 5 और 6 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आज हम लोग देख लिए। और जो जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, हम लोग अपने वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उस मंथ से रिलेटेड उसको रिविजन करते हैं। तो आज बहुत दिनों, मतलब 5 से 6 दिनों का गैप हो गया करेंट अफेयर्स की वीडियो में, तो ये कवर करा दिया जाएगा आप लोगों को। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपके लिए बहुत ही उम्दा क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए हमारे टीम लेकर आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, आप कमेंट करें जिससे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियोज आपके लिए लेकर आने के लिए, ठीक है। तो देखिए जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज आपको इस तरह से याद रखने हैं कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। वहीं 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड UFO डे यानी कि अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डे, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया जाता है। और जुलाई के 1st सैटरडे को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 4 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और आज है 6 जुलाई, 6 जुलाई को मनाया जाने वाला डे है वर्ल्ड जूनोसिस डे, वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये डे उसके मतलब इसके लिए मनाया जाता है कि जो जूनोटिक डिजीज होता है जैसे कि अगर कोई कुत्ता किसी को काट ले, या फिर प्राणी जो एनिमल्स होते हैं उससे कोई जो डिजीज जो होता है, जो फैलता है, जो स्प्रेड होता है, उसको किस तरह से रोकथाम किया जाए उसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड जूनोस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करें 6 जुलाई 1885 को लुईस पास्चर के द्वारा जो फर्स्ट वैक्सीनेशन किया गया था जूनोटिक डिजीज के अगेंस्ट में 6 जुलाई 1885 को फर्स्ट वैक्सीनेशन किया गया था जूनोटिक डिजीज, मतलब एनिमल से होने वाले स्प्रेड होने वाले डिजीज के लिए वैक्सीनेशन किया गया था 6 जुलाई 1885 को। और उसी के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, ठीक है,
6 जुलाई और 5 जुलाई के, और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी हम लोगों ने देखा। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, 2 जुलाई को, जुलाई के 1st सैटरडे को, 4th जुलाई और 6th जुलाई। तो इसको भी आपको याद रखना है, इसका PDF आपको डाउनलोड करना है। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में वहां पर पिन कर दिया जाएगा, आप वहां से PDF को डाउनलोड करके इसको रिविजन कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो पहले भी हमने बता दिया था कि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए हमारे पास एक मोटिवेटेड रहेंगे और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में करेंट अफेयर्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।